सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में गौ सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम दोपहर 4 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक सामूहिक सुंदरकांड पाठ किए गए, जिसके पश्चात सायं 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक श्री हरि नाम संकीर्तन एवं संत समाज द्वारा सत्संग किया गया। इस दौरान स्वामी कृष्णानंद जी ने अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। कोई वर्ण नहीं कर सकता अपने शब्दों के, इतना बड़ा असंख्य शब्दकोश है। शब्दानाम अनेक अर्थ, एक ही शब्द के कितनों कितनों अर्थ है। और उन शब्दों को कितनी अच्छी तरह से संजो करके पिरो करके इस भारतीयता के प्रत्येक प्रत्येक योनि की योनिता को जान करके, हृदयता को जान करके इन ग्रंथों में सूत्रों के रूप में, श्लोकों के रूप में रखा गया है। और जिन्होंने आज आप सब जान रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की जो शिक्षा है, यदि आप कोई एक ग्रंथ को अपने हाथों से लिख देते हैं किन्हीं शब्दों को लेकर के, तो जो बड़े बड़े आज के समय में विश्वविद्यालय हैं, वो आपको डॉक्टरेट की उपाधि दे देते हैं। पर हमें समझना होगा, जिन ऋषि मुनियों ने एक एक विभाग को संभाला, इस भारतीयता अखंडता संप्रभुता को जागृत करने के लिए, विश्व पटल में पहुंचाने के लिए, आज ये वही दिव्य ग्रंथ है, उनका प्राण है, उनकी आत्मा है। एक एक शब्दों में वह अमृतत्व गौ कृपा इतनी समाई हुई है, यदि थोड़े से भी हम सूत्रों को जान लें समझ लें, तो हमारा जीवन आनंद भगवान तो अनुभूति का विषय है, ईश्वर अनुभूति का विषय है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा समर्थ करो, जो इस ब्रह्मांड को बना दे और थोड़े से ही समय में बिगाड़ दे,